अभी तक यही बताया जा रहा था कि आप लोग अयांश के घर पर क्यों नहीं जा रहे हैं, अयांश के घर पर जाकर क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि अयांश, और ये भी कहा जा रहा था कि अयांश के घर पर, अयांश के घर वाले काफी पैसे वाले हैं, वो अपने जमीन जायदाद बेचकर इलाज करवा सकते हैं, तो फिर जनता से क्यों गुहार लगाया जा रहा है इस तरीके से, क्यों लोगों से मांगा जा रहा है। पहले आपको यहाँ पर दिखा दे कि जितने भी लोग हैं सब अयांश के गांव वाले हैं, और ये घर, सबसे पहले आप ये घर देखिए जो कि अयांश का घर है। अयांश, आपको हम ये घर अच्छे तरीके से दिखाएंगे और फिर बताइएगा क्या ये करोड़ों का घर रखा है यहाँ पर जिसे बेचकर अयांश का इलाज हो जाएगा। हम आपको सब दिखाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि अयांश के गांव में लोगों को खबर भी नहीं है कि अयांश को इतनी बड़ी बीमारी है, तो ये लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोग कहाँ, इसी गांव के हैं या किसी और गांव से? इसी गांव से आधे जुटे हैं और पूरा लोग जुटे हैं, तो यहाँ पर रहने का भी जगह नहीं है, रास्ता इतना जाम हो जाएगा। आप लोग, हम ये डब्बा लेकर, हमने सुना कि आप ये डब्बा लेकर के हर दिन निकलती हैं आप लोग, आप लोग दिन हम लोग जाते हैं धूप में, गर्मी में, बरसात है, पानी पड़ रहा था, कल हम लोग भुइया टोला गए थे। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि अभी तक यहाँ के गांव वाले के लोगों को भी नहीं पता है कि अयांश बीमार है, अयांश को कौन सी बीमारी है, और ये पूरा पूरा का पूरा फ्रॉड है, तो जरा ये बताइए कि जो इतना भारी भीड़ यहाँ पे लगा है पूरे गांव वालों का, क्या ये लोग इस गांव से नहीं है, या फिर हम लोग इसे लेकर के आए हैं, या फिर कहीं और से ये लोग आए हैं? ये लेडीज यहाँ पर है, आप लोग बताइए, एक माँ जो लगातार जनता से गुहार लगा रही है, सरकार से गुहार लगा रही है, क्या उसके आंसू झूठे हैं? क्या उसका बच्चा, जो कि बच्चे को लेकर जो लोगों से वो गुहार लगा रही है कि मेरा बच्चा बीमार है, जो रिपोर्ट दिखा रही है, वो झूठा है? एकदम झूठा नहीं, एकदम सही है। बच्चा बीमार है हम लोग जान रहे हैं, जब उसका इलाज चला तो रिपोर्ट भी देखे हैं हम लोग। हम भी पढ़ी लिखी औरत है, महिला देहात में रह कर समझे कि औरत पढ़ी लिखी नहीं है, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, जीविका में काम करते हैं हम भी। अच्छा, आप पढ़ी लिखी हैं? जी, जीविका में काम करते हैं हम, सीएम का काम करते हैं, जीविका से हमें, मेरे पास 200 महिला हैं और 200 महिला को मैं काम करती हूँ, और मैं पढ़ी लिखी हूँ और देखती हूँ, उनका रिपोर्ट भी देखे हैं कि अंश बीमार है, 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगेगा तभी ठीक हो सकता है। जरा ये देखिए कि जब ये गांव में रह कर के 200 लोगों को ये काम करवाती है, और ये बता दें कि इनको जब पता है, ये रिपोर्ट को देख कर बता सकती है कि हाँ ये सही है, निभांश जैसे डॉक्टर लोगों का जितने भी हॉस्पिटल में साइन हुआ, फिर भी इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि अयांश को यह बीमारी है कि नहीं है। यहाँ पर अयांश की दादी माँ है, ये भी इल्जाम लगाया जा रहा था कि अयांश की दादी अभी तक वहाँ पर नहीं गई है, जबकि अयांश की दादी वहाँ पर मौजूद रही हैं, एक महीने मौजूद रही हैं। आप पे ये इल्जाम लगाया गया कि आपको ये बात पता नहीं है, आप वहाँ पे अभी तक गई नहीं है, अयांश को देखने तक नहीं गई है। हम एक महीना पर रह के आई है ना, एक महीना रह के आए हैं पोता के देख के, अब फिर जाना है, आज कल में फिर जाना है। जब जब बहू रोती है तब तो हम ये रोते हैं, सब हम रोज देखते हैं। एक महीना पहुँचे ले माँ है, हमको पोता बीमार, हमको कुछ मालूम नहीं है, दो महीने का पोता है तबे से हम जानते हैं कि हमारा पोता बीमार है। देखिए, एक दादी जो कि अयांश के लिए लगातार लोगों से बोलती भी आई है, और एक माँ जब बोलती है तो दादी पे क्या गुजर रहा है, ये बात शायद आप लोग ये बात इस वीडियो से समझ सकें, क्योंकि ये दादी को हम जब पूछ रहे हैं तो भी इनकी आंखें भरी हुई हैं आंसुओं से। अब आप बताइए कि जैसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, रोता है तब हम रोते हैं, मोबाइल में देखते हैं तब हम दिन भर रोते रहते, गला बैठ गया है। आप जो जैसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बताइए, जैसा क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या ये नाजमी है? लड़का का कोई सर्टिफिकेट मांगता है, विकास जी है तो कहता है कि सर्टिफिकेट दिखाओ, मरल के फोटो दिखाओ, तो हम मरल लोग के, हम बच्चन के हम फोटो नहीं रखते हैं, ऐसे कि देख देख के रोए खातिर रखी फोटो, सर्टिफिकेट देख देख के रोए खातिर रखी हम, आए अब हमारा कमनी तो ना खिए, तुम दुश्मन हो गलन मर गलन, तो आए वैसन वैसन बात निकाला था, तो हमारे बहुत दिन भर रोती है, तो हम सब है तीन बार हम रोते रहते हैं देख देख के, ऐसा ऐसा सवाल कर जाता है मरल आदमी बच्चा के। देखिए, ऐसे ऐसे सवालों को लेकर एक परिवार पे क्या गुजर रही है, आप इनके दादी जिस तरीके से बता रही है, सोचना चाहिए। 800 रुपया एजेम है, और जब मंदिर के सामने कहता है कि हम तेल जरा कर 800 रुपया घर से आए हैं, तो हम बोले के रुपया चाहिए, कहो तो हम देते हैं।
तो अच्छा, ये 800 रुपए जो मांगा जा रहा था, और यहाँ आने के बाद हम भी बता दें कि अभी हम लोग भी यहाँ पर आए हैं और आप लोगों तक सारी सच्चाई बता रहे हैं। हाँ, अब मांगता है और फिर कहता है कि पानी में भींजते आते हैं। राखी के दिन पानी नहीं पड़ा है, राखी के दिन पानी नहीं पड़ा है, बाकी झूठ का है बोला, झूठा बोला। दारू के हेजे दुकान में गुटका किना, हेजे दुकान है, देखिए हेजे पहले गुटका किनता है, किन के हेजे खा के जे अथी करता है रिपोर्टरी। देखिए जो से जिस तरीके का इंजाम लगाया गया, जिस तरीके से कहा गया है आज के घर को बेच करके, जमीन को बेच करके क्यों नहीं इलाज करवाया जा रहा है। तो आया तो अथी पहले कहा नाम पूछने लगा पहले लड़का के, तो क्यों रखता है, किसको बेटा कुछ हो जाएगा तो रखेगा देखेगा हैं, कितना करेजा में दुख लगेगा। ये आया सबसे फोटो लिया, बात किया, गुटखा खाया, वो कह रहा है कि भैया बहन जुटाइए, और 1 लाख रो अथी 1 करोड़ हम भी जुटाएंगे, कि 1 करोड़ की हम जुटाएंगे, कि हाथ फैला फैला मांगिए। एहजा से का वीडियो बनाया, ओहजा का वीडियो बदल दिया, वीडियो को बदला गया था। देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, उस दिन भी ये सभी लोग मौजूद थे, आप लोग यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, आप लोग सब उस दिन मौजूद थे। और ये आपके हाथ में ये जो लिस्ट है, ये किस चीज की लिस्ट है? गांव के आदमी से कलेक्ट कर करके चंदा, सब गांव के आदमी के नाम लिखा हुआ है, जो जिसके पास चावल है। आप एक बार इसे उठा करके दिखाइए और दिखाइए कि कितने लोगों ने चंदा दिया है और कितने लोगों को पता है आयाज के बारे में। ये यहाँ पे ये डब्बा भी है, ये डब्बा है, दूसरा डब्बा यहाँ पे रखा गया है, चौथा, ये देख लीजिए, ये कॉपी। कहा जा रहा है कि लोगों को खबर नहीं है यांच के बारे में, यहाँ के गांव के लोगों को खबर नहीं है, तो ये पूरा गांव यहाँ पे अभी खड़ा है। चावल जो दिया उसका भी लिस्ट में नाम है, चावल जो दिया है, और विकास जी जो भी, विकास जी जो भी वीडियो बना गए हैं, मैडम हम आपको दिखा रहे हैं। ये कितने मिनट का वीडियो है? ये तो मैंने अपने काट के बनाया है, ऐसे 30 मिनट का वीडियो बनाया है वो, और दिखा रहे हैं। देखिए मैडम ये इनका असली वीडियो है, यहाँ पे देखिए इनके पास में सारा कुछ है, असली वीडियो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, और ये जो भी दिखा रहे हैं वो एडिटिंग करके दूसरे ड्रेस में आके और अपने लैब में बना के 30 सेकंड के दिखाते हैं। देख लीजिए मैडम, आप भी देख लीजिए। देखिए आज हम लाइव में ये चीज दिखा रहे हैं, और यहाँ पर जितने लोग हैं सबको पता है कि 30 मिनट का वीडियो बनाया गया था, और 30 मिनट के वीडियो को कट किया गया है। जरा ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे इतने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे बच्चे हैं जो कि अयांश को लेकर के लोगों से मदद मांग रहे हैं। सबके हाथ में अयांश के लिए मदद के लिए ये हाथ में, सबके हाथ में रखा हुआ है ताकि लोग अयांश की मदद करें। आप अयांश की दादी हैं? हाँ, अयांश की दादी हैं। जब सब हम अनंत के दादी हैं मांझिल, हम सब भैया बहनी से हाथ जोड़ रहे हैं, जब नहीं जुटेंगे तो क्या करेंगे, हम मर जाएंगे, किडनी निकाल के अपना बेच के देंगे, और क्या करेंगे अनंत सब, उसको तो जान बचाना ना है, पहला नाती है, इतना भैया बहनी से हम आचरा पसार पसार भीख मांग रहे हैं घामा में गरम में, आप कह रहे हैं ना कि क्यों नहीं हुआ गिए, तो सब कोई हुए पारा पारी जाते हैं। एक माँ एक दादी इस कगार पर आ चुकी है कि लोगों से आचरा पसार करके भीख मांग रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने लोग हैं जो कि अयांश की मदद के लिए लोग खड़े हैं और अयांश के लिए लगातार बात कर रहे हैं। आप लोग सब इसी गांव से हैं? आप लोग जरा ये बताइए कि जब अयांश के बारे में इस तरीके की खबर फैली, क्या ये जो जमीन अयांश के ऐसे भी खबर आई है कि जमीन बेचकर अयांश का इलाज क्यों नहीं कराया जा रहा है, तो ऐसा क्या है, जमीन बेचकर इलाज हो सकता है? बेचा नहीं गया है जमीन। कितना जमीन बेचा गया है? 4 कट्ठा डेयरी में 4 कट्ठा बेचा गया है जमीन। पहले हम आपको ये बता दें कि बैंगलोर तक जाकर के इलाज करवाने में जो खर्च होता है, वो भी जरा आप सोच लीजिए कि सिर्फ एक आदमी जो अभी बैंगलोर में है वो आप लोगों को लगातार खर्च बता रहा होगा, तो सोचिए एक बच्चे को लेकर वहां जाकर इलाज करवाने में और वहां पर इतने दिनों तक रहने में और कितना खर्च हुआ होगा। उस खर्च में भी जो पैसे लगाए गए वो जमीन बेचकर लगाई गई थी, जमीन बेचकर लगाई जी जी। तो अभी जैसा कहा जा रहा है कि ये घर बेच करके अयांश का इलाज क्यों नहीं कराया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है ये घर बेच कर इलाज हो जाएगा? तो ले ले, जो पत्रकार विकास जी हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं कि घर बेचवा दें, 16 करोड़ का एग्जेक्शन दिलवा दें, जो झूठा फुआ फैला के गए हैं यहाँ से उन्हीं से हम बोलना चाहते हैं बस। देखिए ये
साफ साफ जो गलत पत्रकारिता गांव से जाने के बाद जो कि बोलते हैं नहीं जाता है गांव के लोग। देखिए यहां पे सबके पास सारे सबूत हैं कि अभी तक गांव वाले लोग अयान से मिलने नहीं गए हैं, गांव वाले लोग भी मिलने गए हैं, सारे सबूत सबके हाथ में है, सबके हाथ में सारे सबूत हैं, सबके हाथ में अयांश को लेकर के मदद मांगने के लिए जो हो सकता है वो लोग सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि गांव वालों को पता नहीं है। देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जी, किसके लिए चंदा मांगते हो तुम लोग? अयांश को लाइए, अयांश को बचाने के लिए। हाँ, अयांश को बचाने के लिए आप लोग कितने जगह पे निकल चुके हैं अभी तक? रोहतास जिला तक। आप लोग हर गली गली घूमते हैं अयांश के लिए? हाँ। अभी कितने क्लास में पढ़ते हो? 5 में। तो अयांश के बारे में लोगों को पता है, जब निकलते हो तो लोगों को पता है? हाँ। देखिए ये छोटा सा बच्चा जिस जज्बे के साथ कह रहा है कि हाँ अयांश के बारे में सबको पता है और अयांश के लिए सब लगे हुए हैं, तो ये झूठा इल्जाम जो लगाया जा रहा है कि अयांश के बारे में यहाँ के गांव वालों को पता नहीं है, झूठा बोल रहा है। इतना छोटा बच्चा जो कि अभी खुद 5 क्लास में पढ़ रहा है वो कह रहा है कि विकास जी झूठा बोल रहा है। नाम हम लोग नहीं लेना चाहते हैं बार बार, पर यहाँ के जो भी लोग हैं उनका गुस्सा आप लोग देख सकते हैं। आप लोग सब लगे हुए। अयांश के जीवन चाहिए, हम लोग जानते हैं समझते हैं कि माँ के दर्जा क्या होता है, दादी के दर्जा क्या होता है, पूरा बिहार का बच्चा है, पूरा देश का बच्चा है, हमारे गाँव का बच्चा है। हम लोग चाहते हैं कि मेरा नाती है अयांश जो उसका जीवन बच जाए, ये भी हम चाहते हैं। जो आरोप लगाया है वो सब झूठा ही है, झूठ। अगर झूठ नहीं रहता तो इतना क्यों गांव के लोग जुट रहा था? राती खूनी पानी पड़ा था, घामा उगता, गरम लगता, तब हमने के भीख मांग गली 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 गावे गावे हम चलत बा। एक बच्चे के लिए बिना जूता के बिना चप्पल के लंगे पाँव हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग जीवन मांग रहे हैं। जब सरकार नहीं मदद कर रहा है तो सरकार जी रहा है जनता जनता के चलते। कोई खेत में मजदूरी करता है, कोई खाद इतना महंगा है, खरी इतना महंगा है, कोई माल मवेशी रखता है दूध बेच के, बच्चा छोटा छोटा मुक्का फोड़ के खाए खातिर लेके 2 रुपये 4 रुपये ले तड़सन, तब अंश के खातिर 1 रुपये 2 रुपये डाल तड़सन। सब झूठाई है, सब सच है, जो झूठ वो बोल के गोल बने सब झूठ बा। जो लोग ये कह रहे हैं कि झूठा है झूठा है, तो ये बताइए कि 1-1 रुपए जो लोग दे रहे हैं, जो खुद किसी तरह कमा कर रखते हैं, वो लोग 1-1 रुपए दे करके करवा रहे हैं। आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि कितने लोगों ने दिया है, क्या कितने लोगों के नाम है, कितना लोग ने धान चावल सब दिया है, सब कुछ सब गाँव का है और सारा कुछ इसमें डाटा इन्होंने रखा है कि हाँ किस लोगों ने सामने आया, कौन लोग आकर के दे रहे हैं, देख लीजिए सब कुछ है यहाँ पर। फिर भी ये इल्जाम लगाना, चावल भी है इसमें हर लोग के, इसलिए है कि ये लोग चावल गेहूं पैसे जिसको जो मिल रहा है या यहाँ के लिए आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं, खुशी से अपने आप डोनेट कर रहे हैं यहाँ के लोग पूरा डेली के डेली। आपस जैसे सुबह के टाइम हम लोग डेली निकल जाते हैं, फिर शाम में निकलते हैं हम लोग पूरे एरिया में कि हर कोई आपस में ही सब डोनेशन है। कैंपियन चलता है हम लोग के ग्रुप के कि कोई इधर इस पार्ट में जाता है, कोई उधर जाते हैं इस तरह। और हम लोग का यह चीज कहना है कि भारत लाइव और एक्सपोज बिहार अगर खुद न्यायालय बन जाते हैं। हम लोग नाम नहीं रख रहे हैं हम लोग, लेकिन सब कोई जान रहा है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं में जितना गुस्सा है उनको यही कहना चाहेंगे कि वह एक्सपोज बिहार फिर से यहाँ आए दोबारा और लाइव देखे। अगर आपको सच्चाई है तो अगर उनको ये चीज ही नहीं है कि बच्चे को लोग में कितना झूठ बोल रहे हैं, वो भगवान रूपी को उसको पेट पर लात मारने के काम कर रहे हैं। अगर इंजेक्शन के में उसको जितना भी रुकावट जिस अफवाह फैलाने में ये दो गो के हाथ है, सबसे पहला विकास राज और दूसरा भारत लाइव, जो कि भारत लाइव ये दोनों के वजह से ही पूरा दुनिया में ये अफवाह फैला है। आज गए हैं निमांस उनको सच्चाई पता करने, हम बहुत खुश हैं वह सच्चाई पता करे, लेकिन वह एक बार अमेरिका भी जाए, वह इंजेक्शन के नाम भी पता करके और उसको उन्हीं के काम है। जो इतना भी क्राउडिंग हुआ है उनको विकास जी को दिया जा रहा है कि वह इंजेक्शन खुद दिलवा दे। और हमारा जितना भी ये घर है हम लोग घर भी देने के लिए राजी हैं कि वह विकास जी आके इंजेक्शन दिलवा दे। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो ये समझिए कि सरासर गलती। अगर एक अंश को वह बचाने के काम नहीं करते हैं
तो कल वो दोबारा किसी इंसान को वो दिखाएंगे कि इसको बचाना है इस यंश को। जब बच्चा के सरकार मदद नहीं करेगा तो क्यों गरीब के मदद करेगा? गरीब सब कोई लोग सब कोई लगा है कि नहीं बच्चा के लिए जान बच्चा के यंश के जान बच जाए। मेरा गांव के बच्चा है, बिहार के बच्चा है, सारा देश के बच्चा है, उसका जीवन बचना चाहिए, सब कोई के सहारा चाहिए। सरकार से आप गुहार लगा रही हैं कि सरकार से मेरा मांग है कि सरकार उसका बच्चा के लिए मदद करे। सरकार जब नहीं मदद करेगा तब किसी जनता सरकार की मदद भी नहीं करेंगे। देखिए सरकार को जनता बनाती है और जनता ही सरकार से ये गुहार लगा रही है। देखिए जनता ही सरकार से गुहार लगा रही है कि आप लोग देखिए इतना भीड़ है, अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और देख लीजिए एक गाँव में इतना भीड़ है सिर्फ अयांश के लिए। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सर सिर्फ और सिर्फ अयांश के लिए इधर आए हुए हैं और अयांश की मदद के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग सब अयांश की मदद के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और क्या हर रोज आप लोग यहाँ पर आते हैं? अयांश की मदद के लिए आए हैं, जहाँ तक हो सकेगा करेंगे हम लोग। आपको बता दें कि इतनी रात को न करे सरकार करे या न करे हम लोग जनता करेंगे। पूरा गाँव अयांश का पूरा गाँव एक साथ हो चुका है। पूरे पंचायत में मैं काम करने जाती हूँ और पूरे पंचायत में ये पर्चा बांटी हूँ और पूरे पंचायत मदद करने के लिए तैयार है। देखिए हम लोग ने पहले से ये ठाना है कि अयांश को बचाना है और हम लोग एक डे वन से कह रहे हैं कि अयांश के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और सिर्फ अयांश के लिए लड़ रहे हैं। बाकी सारे मुद्दों को इसमें जोड़ा जा रहा है लेकिन हम साफ साफ ये बता दें कि हम सिर्फ अयांश के लिए लड़ रहे हैं। अयांश के लिए आप भी आई हैं? अयांश के आप ही आए? आप अयांश के लिए आई हैं? देखिए इतनी छोटी सी बच्ची है जो कि अयांश के लिए जितने लोग हैं यहाँ पे जितने भी गांव के जितने लोग हैं इतनी रात तक सिर्फ आप लोगों के सामने इसलिए हैं ताकि ये भी बता सके कि सब कोई अयांश की मदद के लिए खड़ा है और हर कोई अयांश के जीवन के लिए लोगों से गुहार लगा रहा है। हम लोग हर दिन यही कह रहे हैं कि हमें अयांश सभी कोई पूरे गांव वाले अयांश के लिए खड़े हैं और इस मुहिम को देखिएगा, इस मुहिम को हम लोग इतना तेजी करेंगे कि अयांश का जीवन जल्द से जल्द हम लोग बचाएंगे। आप लोग का सहयोग से और जितने भी निगेटिव पत्रकार हैं जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा अयांश को बचाकर। जीवन मांगे अयांश, जीवन मांगे अयांश, जीवन मांगे अयांश। और सिर्फ एक अयांश नहीं, इसके बाद बिहार में एक ऐसा मुहिम छिड़ेगा जो भी बच्चा बीमार रहेगा सबके मदद के लिए लोग आगे आएंगे। आपको बता दें कि 5000 के लिए जो मैसेज कमेंट लोग कर रहे हैं कि 5000 के लिए बच्चे मर जा रहे हैं, पहले आप लोगों को ये भी बता दें कि आप लोग यही रहते हैं ना भारत में ही ना या फिर कहीं और रहते हैं? क्योंकि आयुष्मान भारत के तहत आप लोगों को शायद पता होगा कि प्रावधान दिया गया है सरकार द्वारा 5 लाख का, फिर 5000 के कारण अगर बच्चे मर रहे हैं तो गलती किसकी है आप लोग फिर ये बताइए। और अगर आपके सामने मर रहे हैं तो फिर आप लोग के सामने बच्चे मर कैसे रहे? जो लोग बोल रहे हैं कि 5000-10000 के कारण बच्चे की मौत हो रही है उनसे हम यही कहें कि आप जो स्मार्टफोन लिए हैं वही आपका 20000 का कीमत कम से कम होगा, आप वो बेचकर उस बच्चे का इलाज करा सकते हैं लेकिन आप वो समय फेसबुक पर टाइप करने में बिताएंगे। आप अपने मुखिया से संपर्क कीजिए, अपने विधायक से संपर्क कीजिए, नहीं तो आप मेरा नंबर लिखिए और उस पर कॉल कीजिए, हम मदद करेंगे उस बच्चे को जो 5000 के लिए मर रहा है। आप मेरा नंबर लिखिए 7979078432। देखिए आपको हम बता दें कि अभी हम अयांश के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि बिहार में अयांश ये पहला बच्चा है जिसे ये बीमारी हुई है जिसे 16 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत है, इसीलिए आज हमें जनता का साथ चाहिए, आज हमें आप सबका साथ चाहिए। इस अयांश को देखकर जो दीदी मेरा सवाल है एक कि जब पूरा भीड़ है समाज है समाज में जब सरकार मोदी सरकार नीतीश सरकार जो भी सरकार हो सब कोई बैठे हुए हैं तो नहीं सब कोई सब जनता मिलके सब कोई लोग मिलके नहीं सरकार बनाएगा तो सरकार बन जाएगा? नहीं बनेगा। जब छोटा बच्चा गद्दा पर बैठा दिया जाएगा तो उस बच्चा के सारा समाज मिलके वो बड़ा बना दीजिएगा तो बच्चा सरकार भी बन जाएगा। मैडम देखिए अयांश को बचाना है, आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, यही बच्चा कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई हमारे देश का मतलब भारी मीडिया पत्रकार बनता है या हमारे देश का मतलब वो अर्थव्यवस्था सुधार देगा हमारे देश से, यही बच्चा हो सके आगे चल करके हमारे देश का गरीबी दूर कर दे। हर लोग मतलब एक ये कहा जा रहा है कि एक बच्चे के पीछे इतना खर्च क्यों? एक बच्चे के पीछे देखिए हमारा भविष्य है, ये बच्चा हमारा भविष्य है, यही बच्चा
आगे जा करके कुछ भी कर सकता है, ये कोई नहीं जानता। तो फिर हम लोगों ने ठाना है जो बोला जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे लोग नारा लगा रहे हैं अयांश के लिए, सिर्फ और सिर्फ अयांश के लिए, जो छोटा सा बच्चा है उसके लिए, क्योंकि अयांश को बचाना है। हमारे बिहार का बच्चा है, हमारा हमारे घर का बच्चा बन चुका है अयांश, तो उसके लिए सामने आइए। जो बोला जा रहा है कि 500,000 रुपया जो मदद नहीं करते हैं, आज यांस को देखकर हमको लगता है कि उससे कम से कम 100 बच्चों को इलाज हो चुका है। ये देख के कि जब हम इलाज हम यांस को कर सकते हैं, तो हम जो गांव में बीमार पड़ रहा है उसको हम लोग खुद लेकर चल जा रहे हैं। आज तक ये कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये यांस को देखकर पूरा भारत भर में मैसेज गया कि हम दूसरे को भी अगर कम पैसे जो बोलते हैं, जो 500,000 रुपया वह नहीं करते हैं इलाज, वह आपको मैसेज करेंगे, फेसबुक पर करेंगे, यहाँ गांव में भी बीमार हो रहा है। आज की इतना प्रेरणा मिल गया है कि वो देखकर कि किसी को तुरंत आदमी इलाज कर दे रहा है, उसको 500,000 रुपया खुद उससे अधिक के दान हो जा रहा है उनको, जबकि बोला जा रहा है 500,000 रुपया उससे अधिक, जो कि बोला जा रहा है कि जो बच्चे का ऑडियो वायरल किया जा रहा है, वो ऑडियो उसको सामने नहीं लाया जाता है बच्चे का, जिनका ऑडियो आप लोग देखें कभी लाइव देखे होंगे उस बच्चे को आते हुए दिखाते हुए। दूसरा जब भी जो बच्चे जॉब करते हैं उनका ये लोग नहीं दिखा रहे हैं, जो लड़के जॉब कर रहे हैं जो मलेशिया में है दुबई में। देखिए जो बाहरी बदलाव, इन्होंने कहा कि अयांश को देखने के बाद काफी लोग में या मानसिकता में बदलाव आया है, लोग जहां देख रहे हैं कि इसे बीमार है वो लोग खुद इलाज के लिए सामने आ रहे हैं, कि लोग ही अपने आप में मदद करके सामने आकर के अयांश की मदद कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा एक मैसेज है कि लोग खुद आकर के मदद कर रहे हैं, और यही हमारा भी सोच है। देखिए हम लोगों ने चंदा तसला है, और देखिए जी भारत गांवों का देश है, गांव में किसान बसते हैं, किसानों के पास पैसा क्या होता है, गेहूं और चावल भी होता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो देखिए ये चावल भी दिया है लोग, ये भी चावल है, देखिए एक किसी ने 5 केजी दिया, किसी ने किसी के पास 100 रुपया है, 20 रुपया है, 50 रुपया ये लोग दिया, देखिए ये भी देखिए ये पेज देखिए ये भी देखिए। मैडम हम लोग एक नारा यहाँ पे दिए हैं, आधा रोटी खाएंगे और यांस को बचाएंगे, आधी रोटी खाएंगे यांस को बचाएंगे, आधी रोटी खाएंगे यांस को बचाएंगे, आधी रोटी खाएंगे यांस को बचाएंगे। अयांश के लिए जिस तरीके से लोग लगातार नारे लगा रहे हैं, सब कोई पूरा गांव अयांश के साथ में है, जैसे कहा जा रहा है कि गांव साथ में नहीं है, अयांश के लिए पूरा गांव अयांश के साथ है। आप लोग यहां पर एक बार आप कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए कि कितने लोग यहां पर मौजूद हैं रात के समय में, जबकि गांव में रात के समय में लोग इतने भारी संख्या में मौजूद नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन फिर भी अभी आप समय देखिए और आप लाइव देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से मौजूद हैं। और लाइव करने का हमारा बस एक ही वजह है, ताकि ये इल्जाम न लगाए कि कट पेस्ट का कोई बात है, लाइव है ये। औरंगाबाद से आया हूँ, औरंगाबाद से मैं ग्रामीण चिकित्सक हूँ, मेरा नाम डॉक्टर शशि कुमार गोपाल है, यह मेरा ससुराल है, मेरा नाती पोता लगेगा बच्चा अयांश सिंह, जो मस्कुलर स्पाइनल एट्रोफी से ग्रसित है टाइप 1, जो जिसमें 16 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा। वो औरंगाबाद के वासियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, जो फेक न्यूज है जो दिखाए हैं मीडिया वाले विकास जी, उनका नज़रअंदाज करते हुए जो है अयांश के लिए चंदा अनुदान दें। एक और बात, हम देखे थे विकास जी का न्यूज़, वो बोले थे कि बच्चा अपना करवट खुद से बदल सकता है, आप लोग न्यूज़ रिपोर्टर आप लोग वहाँ पर प्रतिदिन जा रहे हैं, क्या बच्चा खुद से अपना करवट बदल सकता है? बच्चा अपना हाथ पैर भी पूरी तरह से नहीं हिला सकता, उसका मूवमेंट बहुत स्लो होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। देखिए ये सवाल लगातार उठा, क्या अयांश सही में बीमार है या फिर नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों ने वीडियो पहले भी बनाया है, हमने दिखाया भी है कि अयांश के पैर का मूवमेंट नहीं है, सर का मूवमेंट नहीं है, इम्पैक्ट गुरु जैसा जो कि सामने आया है। एक और बात, वो सवाल पूछे थे कि आप लोग पहले बच्चा का जिक्र क्यों नहीं किए, तो हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग इस मुहिम की शुरुआत इम्पैक्ट गुरु प्लेटफॉर्म से किए थे, जहां उस बच्चा जो कि 6 माह में उसका डेट हो गया था, उसका साफ साफ जिक्र है इम्पैक्ट गुरु में, साफ साफ लिखा हुआ है, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो आप जाकर वहां पर देख लीजिए, और अयांश का बतौर पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पर लगा हुआ है इम्पैक्ट गुरु में,
आपको बता दें कि सवाल निभांस पे भी उठाए जा रहे थे, जिसके बाद कि निभांस को मेल भी किया गया है, जनता के द्वारा निभांस को मेल किया गया है, और जिस मेल को भी हमने दिखाया है कि निभांस की तरफ से मेल वापस आया है, रिप्लाई आया है कि हाँ ये सही में ऐसा है और अयांश का इलाज सही में यहाँ से हो रहा है। तो फिर आप लोग जो भी ऐसे लोग हैं, जो गलत लोग हैं, जो अयांश को लेकर गलत खबरें फैला रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। जो देखिए पूरा गांव अयांश के लिए लगा है, दिन रात लोग एक किए हुए हैं एक छोटे से बच्चे को बचाने के लिए। ये समझिए कि एक बच्चा अगर बच जाता है तो कितने बच्चे उसके बाद बच सकेंगे। हमारी एकता को दिखा रहा है ये छोटा सा बच्चा। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं सब लोग अयांश के गांव से मौजूद हैं। एकता को दिखा रहा है अयांश, और एकता के कारण ही यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं। बात घर की थी, घर भी हमने आपको दिखाया है, और हम घर की स्थिति अंदर से भी दिखाएंगे आपको कि आखिर कितना बड़ा घर है जिसे बेच करके ये कहा जा रहा है कि इलाज हो सकता है। अगर कोई इसे 16 करोड़ तक में इलाज करवाने राशि तक में अगर खरीद सकता है तो वो राशि दे दे और इलाज करवा दे। जी देखिए एक बार आप घर हम आपको दिखा देंगे, लाइव हम लोग चल रहे हैं, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है यहाँ पर, लेकिन हम आपको दिखा दें कि ये घर देखिए, और जिस घर को लेकर के इतने सवाल किए जा रहे हैं कि घर को बेच करके, ये घर अंदर से दिखाइए कि जर्जर स्थिति में है वो भी दिखाइए, क्योंकि लोग जैसे अगर करोड़ों का घर है तो करोड़ों का खर्च इस घर पर क्यों नहीं है? क्या ये घर आज से नहीं, ये घर कब से बना हुआ है? पुराना है, बहुत पुराना है। कभी कर रहे आप बिहार सरकार में नौकरी करते थे? हाँ, नौकरी से बना हुआ, तभी से बनाया है। दादा इन्हीं के पैसा से हम लोग ITI बनाए हैं, ITI कॉलेज बनाया, ये घर ही के पैसे से मकान बनाया। देखिए ये अयांश का घर, यही अयांश का घर है जिसे आज हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल उड़ा था कि अयांश के घर को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, अयांश के घर पर जाकर रिपोर्टिंग क्यों नहीं किया जा रहा है। तो आज हम यहाँ पर मौजूद है, अयांश के घर पर मौजूद है, यही घर है अयांश का, आप देख लीजिए। और देख करके जरा ये देखिएगा कि अगर कोई ऐसा है जो इलाज के लिए वो राशि दे सकता है इस घर को लेकर के, तो ये लोग उसे भी देने के लिए तैयार हैं। आप लोग सब कोई चाहिए अयांश के, हम लोग यही कृपा करेंगे भगवान से कि जिंदगी अयांश के चाहिए। घर क्या है, किडनी भी बेच सकते हैं अयांश के चलते। अयांश के लिए जिस तरीके से लोग सामने आए हैं, अब हमारे पास यहाँ आने के बाद शब्द भी कम हो चुके हैं कि क्या हम अब इनसे सवाल करें, क्योंकि पूरा का पूरा गांव एक हुआ हुआ है, पूरा का पूरा गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं। यहां पर हम उतरने के साथ इस चीज को देखें, उतरने के साथ हमने माइक उठाया है, क्योंकि यहां पे जिस तरीके से लोग मौजूद थे हमने ये तुरंत देखा कि हमें तुरंत आप तक ये चीज दिखाना है। जो लोग इस बात को बोल रहे थे कि नहीं गाँव वालों को खबर नहीं है, लोगों को खबर नहीं है, तो ये लोग सब इसी गाँव के हैं। अगर आपको विश्वास अभी भी नहीं है तो आप लोग भी आइए यहाँ पर और देख लीजिए, और अगर अयांश को लेकर के परेशानी तो अयांश को भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। बोलिए। ओ विकास जी बोलते हैं IIT हम लोग कॉलेज खोले, IIT हम लोग खोले हैं कि ITI खोले, उनको इतना ही नहीं फर्क पड़ता है तो क्या पत्रकारिता करेंगे वो? देखिए सवाल अब पत्रकारिता पे भी आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से गलत पत्रकारिता का ये लोग बता रहे हैं। जी बताइए। जो बोला जा रहा है कि इम्पैक्ट गुरु पर जो सवाल खड़ा किए थे कि इम्पैक्ट गुरु में ही, तो बिहार में क्या है कि हर आदमी संभव नहीं है, इसका लिमिट आता है, मिनिमम डोनेशन अबाउट 250 रुपया। आइए देखते जाइए आप लोग सब, ये लोग सारे सबूत दे रहे हैं कि बिहार में क्या है, यहाँ पर जैसे हम 10 रुपया क्लिक कर रहे हैं। देखिए ये लोग, इन लोगों के पास हम 10 रुपया डाल रहे हैं, लेकिन क्या लिख रहा है यहाँ, मिनिमम डोनेशन अबाउट 250 रुपया। लेकिन ये आप जूम करके आप दिखा दीजिए लोगों तक के बीच में दिखा दीजिए। हाँ नहीं होगा, वहाँ से नहीं होगा, इसी दिखाइए, वहाँ से दिखाएंगे अपना सिस्टम से। ये इम्पैक्ट गुरु की तरफ से जो किया गया है उसे ये दिखा रहे हैं, इम्पैक्ट गुरु की तरफ से ये रखा गया है, आप साफ साफ इसमें देख सकते हैं कि जो चाह रहे हैं, जो बिहार में हमारे हर्ष के संभव नहीं है कि 250 रुपया ही मिनिमम डालेंगे, वहाँ क्या कभी क्यों आता है मोबाइल में कि मिनिमम 250 डालिएगा तभी उसमें जाएगा, इम्पैक्ट गुरु में जाएगा। इसलिए हम लोग पेटीएम, गूगल पे फोन, इससे कि कोई भी किसी को इजिली होता है। इसमें क्या है इम्पैक्ट गुरु में कि इसमें नेम,
एड्रेस, पिन कोड, तो हर जो पढ़े लिखे नहीं है, जो कम मोबाइल चलाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसका लॉगिन करने में, जो कि बिहार में हमको ये नहीं लगता है हर के लिए संभव होती है। जो मिनिमम लेवल के हैं वह चाहते हैं 50 रुपया, 51 रुपया, 21 रुपया, 10 रुपया, जो बच्चे हैं जो कि पे फोन से इजिली पे हो जाती है, इम्पैक्ट गुरु में नहीं होती है। देखिए इसी यही वजह है कि लोग गली गली निकल रहे हैं, फोन पे अकाउंट नंबर दिया गया है, इसीलिए लोग गुहार लगा रहे हैं अयांश की मदद के लिए। इम्पैक्ट गुरु इतना नहीं कर पा सकता है, इसीलिए आपको बता दें कि यहाँ पे जो लोग हैं, आपको ये भी बताएं कि लोगों के गलत खबरों की वजह से, गलत अफवाहों की वजह से जो खबरें चलाई जा रही हैं, कम जागरूकता की वजह से अयांश के लिए जो राशि आ रही थी वो धीमी हो गई है, जिसके वजह से अयांश को बचाना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अयांश को हमें बचाना है, इसलिए हम सबको एक आना पड़ेगा। जो अफवाह फैला है, जो जो भी जो पत्र दो है, हमारा भारत लाइव है और एक्सपोज बिहार, अगर मुहिम को ये इन्हीं के वजह से स्लो हुआ है, जो कि फीडबैक निगेटिव दिए हैं, जो सच्चाई के, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है, सच्चाई को हम परेशान कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता, आज वही हो रहा है हमारे यांश के साथ। अगर हम इस मुहिम को, हमने 2 से 3 दिन 4 दिन में हम लोग करोड़ों क्रॉस कर रहे थे, जो कि इतना निगेटिव अफवाह फैला दिए, जो कि सरासर गलती है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं, बोलते हैं कि जो डॉक्टर पर आरोप लगा सकते हैं, जो इलाज पर ये जो कि सच्चाई को जस्ट उल्टा बोलते हैं, उनके माइंड में ही पूरा निगेटिव चलता है, जो कि अगर ये अगर अफवाह के अगर हमारे अयांश को अगर कुछ भी होता है, तो इसका दोषी हम लोग दो ही आदमी को देंगे और उन पर हम लोग FIR करेंगे पूरे गाँव के मिलकर, एक्सपोज बिहार और बिहार सिटी लाइफ जो है उस पर हम लोग दोनों पर केस करेंगे अगर कुछ भी हमारे यांश के साथ हुआ, इसलिए कि हम लोग दिन रात करके हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जो लोग कमेंट करते हैं बैठ करके, सिर्फ वो आकर के यहाँ देखिए कि लोग किस तरीके से लगे हुए हैं, किस तरीके से अयांश की मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, एक एक रुपए करके जोड़ रहे हैं ताकि अयांश की मदद हो सके और अयांश को बचाया जा सके। जी मैडम, हम एक न्यूज उनको विकास जी को देना चाहते हैं, खास करके विकास जी के लिए मेरा है कि जो भी अफवाह फैला रहे हैं भाई दिव्या, अयांश को कुछ भी हो जाता है, पैसा नहीं जुट पाता है, तो बाकी जिम्मेवारी विकास जी पर हम लोग देंगे, पूरा गांव हमारा FIR करेगा उन पे, पूरा गांव। भारत लाइव है एक और एक्सपोज बिहार, खास करके ये दो चैनल को हम सपोर्ट बोल रहे हैं, ये कान खोल के सुन ले, अफवाह ना फैलाए। देखिए एक बड़ा छोटा से छोटा चैनल, बड़ा से बड़ा चैनल, हर कोई अयांश के घर पर जा रहा है, अयांश की खबरें दिखा रहा है, तो फिर आखिर भरोसा और किस तरीके से दिलाया जा सकता है। आप घर जाकर के देखिए, छोटे से बच्चे को जाकर देखिए, उस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है, बच्चे को बचाइए। उस बच्चे को बचाने के बाद हमारा जो बाकी बच्चा होगा हम उसे बचा पाएंगे, लोगों में यह एकता बनी रहेगी कि हाँ लोग एक होकर के अगर अयांश को बचा सकते हैं तो 16 करोड़ क्या 1600 करोड़ की राशि भी अगर होगी तो लोग एक होकर के बच्चे को बचाएंगे। यस मैम, ये बिल्कुल आपको राइट सही बोल रहे हैं, आज हम एक अयांश को बचाने के मैसेज देंगे तो पूरा हम लोग देश में ऐसे हजार अयांश, इसलिए कि सरकार, इसलिए कि हम लोग के ये देखने से प्रेरणा है, क्या बचाएंगे, अयांश के घर से। अयांश के लिए लोग लगातार नारे लगा रहे हैं और इसी गांव के यहां पर बताइए कि शराब बंदी है कि नहीं, कोई शराब पीता है? नहीं। जबकि एक पत्रकार होकर शराब पीता है, जबकि ये फेसबुक पर ये दिखाता हुआ है और बोलता भी है कि हम शराब पीते हैं, गंजा पीते हैं, अफीम पीते हैं, ये सब, जबकि इनको, जबकि सरकार के कानून है, अपराधक है ये, तभी ये शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं और ये चीज गलत अफवाह फैलाते हैं, पैसे मांगते हैं हर जगह। देखिए वो फेसबुक लाइव के माध्यम से खुलेआम बोल रहे हैं, मैं गांजा पीता हूँ, मैं दारू पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, इसके लिए गुटखा खाता हूँ, उनके लिए कोई कानून नहीं है। नीतीश कुमार कहाँ सोए हैं, उनको तो जेल में बंद कर देना चाहिए। देखिए एक बच्चे के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए जब हम लोग आवाज उठाने लगे तो उस बच्चे को रुकावट के लिए, बच्चे के लिए जो राशि आ रही थी उसमें रुकावट के लिए लोग तरह तरह के और मुद्दों को इसमें जोड़ते चले गए। लेकिन हम आपको अभी फिर से बता रहे हैं, हम सिर्फ
अयांश के लिए लड़ रहे हैं, अयांश की जो बीमारी से लड़ रहा है उसके लिए लड़ रहे हैं। अयांश हम सब के घर का बच्चा बन चुका है, इसलिए आज हम सब अयांश के लिए लड़ रहे हैं और सिर्फ अयांश की बात आप तक पहुँचा रहे हैं। मैम सरकार से अभी भी हमारी निवेदन है, नम्र निवेदन है कि अभी भी कुछ देरी नहीं हुआ है, आप आगे आइए और इस बच्चे को बचाइए, अपने बिहार के बच्चे को बचाइए और इस बिहार का एक इतिहास लिखिए। बाकी राज्यों में सभी सरकार और जनता मिलकर अपने बच्चे को बचा चुकी है जो कि इसी बीमारी से ग्रसित थे, आप भी आगे आइए और हम सब लोगों से अपील करेंगे, हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि और इस मुहिम को तेजी कीजिए जितना हो सके, हमारे बच्चे को बचाना है, हमारा छोटा भाई अयांश को बचाना है, अयांश को बचाएंगे, आधी बचाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, अयांश को बचाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, अयांश को बचाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, अयांश को बचाएंगे। आप विकास जी से पूछना चाहते हैं कि अगर अयांश के जगह पर अगर उनका बच्चा होता तो बोलते हैं कि हमारे पिताजी के पास मात्र 4 बीघा जमीन है तो वो कैसे बचाते अपने बेटे को, और एक अयांश बीमार है, उसका घर अभी लाइव चल रहा है, सारा पब्लिक देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको तो सुसाइड कर लेना चाहिए, वो जिंदा कैसे है? वैसा आदमी जो कि एक बच्चे को जीवन नहीं दे सकता है तो जीवन लेने का किसी का कोई अधिकार नहीं है। जब इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप जीवन नहीं दे सकते हैं तो जीवन लेने का काम मत कीजिए, बहुत गलत आप अगर इस तरीके से पूछना चाहते हैं विकास जी के, अगर उनके घर में अगर ये चीज इसमें टाइप 1 होता तो वो कैसे इलाज करते? हमको विकास जी से इनसे यही हमसे आग्रह है कि वो कैसे इलाज करते? देखिए लोगों में जो गुस्सा है ये आप साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई दिखाने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं वो सच्चाई हम लोग आप तक दिखा चुके हैं और दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी गांव मौजूद है, सारे के सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लोग लगातार विकास जी को हम ये बोलते हैं, बोलना चाह रहे हैं अपने माध्यम से कि जो वीडियो बनाए हैं ओरिजिनल वीडियो वो दिखाएं, उनको दम है तो, और नहीं तो फिर यहाँ वापस आए इस गाँव में, वो जिंदा नहीं लौट के जाएंगे। देखिए लोगों का जो गुस्सा है एक गलत पत्रकारिता पे जो गुस्सा सवाल उठाए जा रहे हैं साथ में ही कि जो वीडियो दिखाया गया है वो वीडियो ओरिजिनल वीडियो नहीं है, उसे कट पेस्ट करके डाला गया है, तो लोगों का ये गुस्सा भी जायज है क्योंकि एक छोटे से बच्चे के लिए साजिश की जा रही है जो कि बच्चा अभी लोगों से कुछ कह भी नहीं सकता है, जो बच्चा अपनी परेशानी को भी नहीं बता सकता है उसके लिए साजिश की जा रही है। अयांश के लिए जितना भी आप सब कर सकते हैं कीजिए और अयांश के बारे में जितनी सच्चाई हो सकती है हम लगातार आप तक दिखा रहे हैं, अयांश के बारे में जितनी खबर हो सकती है हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये घर भी हम आपको दिखा चुके हैं जो अयांश का घर है, और ये घर काफी समय से बना हुआ घर है इसलिए हम आपको इसकी स्थिति भी दिखा चुके हैं, और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो उनसे भी हम लोगों ने बात किया। आपको बता दें कि सारे गांव के लोगों को इस बारे में खबर है और इसीलिए गांव के लोग अयांश के साथ देने के लिए सामने आए हैं। अयांश के गांव से मैं ज्योति सिन्हा, जय हिंद।